नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का प्रमुख एलाइट चौराहा है और आप देख रहे हैं कि आज मंगलवार होने के कारण यहां पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वह बंद रहते हैं, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा कम है। और यहां जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं वो आज मंगलवार के चलते आप देख रहे होंगे कि बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर झांसी में साप्ताहिक मंगलवार जो बंदी का होता है उसमें इलाइट चौराहा भी शामिल है और शहर का इलाका शामिल है। सोमवार को सीपरी बाज़ार का इलाका बंद रहता है। हम आपको यह इलाइट चौराहे का विहंगम दृश्य देख सकते हैं, जहाँ से आप देखेंगे कि ये रास्ते अलग अलग स्थान पर, जहाँ से ये बस आ रही है यह झोकनबाग मिनरवा की ओर जाने वाला रास्ता है, जबकि सामने देख रहे हैं आप वह बस स्टैंड की ओर जाने वाला, और ये ठीक सामने इलाहाबाद बैंक चौराहे की ओर जाने वाला मार्ग है। सामने आप देख रहे होंगे इसी के बगल में ये लाइट टॉकीज है और नेहरू जी की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। यह सीपरी बाज़ार से आने वाला मार्ग है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज साप्ताहिक बंदी का दिवस है, इसलिए यहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है यहाँ जो इलाइट का चौराहा है। झांसी का सबसे बड़ा हृदय स्थल है यहाँ। आपको जिस जगह हम खड़े हुए हैं, जहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके ठीक नीचे वंदना स्वीट्स के नाम से झांसी की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित मिष्ठान की दुकान है। इसके अलावा सामने ये देखेंगे मस्जिद है और यह सीपरी बाज़ार की ओर जाने वाला मार्ग, ठीक ये जो आप इलाका देख रहे हैं सामने, यह तिलक मार्केट का इलाका है जहाँ काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है। हम आपको नीचे का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। यह आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मार्ग है, सामने यह नगर निगम का बाज़ार है जिसमें देवास होटल है, वृत्र रेस्टोरेंट है, श्रीराम भोजनालय है और आगे जाकर अवध फूड्स की दुकान है, जो झांसी की काफ़ी फेमस दुकान कही जाती है, जहां पर कि बिरयानी मिलती है और रोल कबाब वगैरह मिलते हैं। हालांकि आज ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंदी है, इस वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन नज़ारा बेहद खूबसूरत है। हालांकि चुनाव का माहौल भी है, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादातर जनसंपर्कों में व्यस्त हैं, लोग प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं, ऐसे में सड़कों पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन बाज़ार का आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर, यह होटल सनराइज है जो बेहद खूबसूरत है और बहुत अच्छा बना हुआ है। इसी लाइन में आप जाएंगे तो आपको होटल एम्बियंस मिलेगा। और ये सामने आप देख रहे हैं नगर निगम है, झांसी का मुख्य नगर निगम ऑफिस का गेट है और सामने ये अवध फूड्स। यह मार्ग सीधा ग्वालियर रोड और शहर की ओर जाता है। तो कितना खूबसूरत नज़ारा हमने आपको शाम के समय का इलाइट चौराहे का दिखाया।